अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर भगाओ एक जागरूकता अभियान है, और इस जागरूकता अभियान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस ऑनको सर्जन डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो दिल्ली में स्पेशली पोल्यूशन को लेके जो मुद्दा बना हुआ है, तो आपके विचार से आपको क्या लगता है कि पोल्यूशन भी एक कारण हो सकता है कैंसर का, जिससे कैंसर होता है? हाँ, पोल्यूशन हमेशा से एक मुद्दा रहा है कैंसर का, और ये कंट्रीब्यूट करता है 4%, यानी 100% कैंसर अगर के कारण है, जैसे कोई भी अदर कारण, जैसे शराब हो, तंबाकू हो, खान पान हो, तो पोल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 4% है। और दिल्ली में ये एक बहुत ही महत्व कारण है, क्योंकि आप देखिए, जो वर्ल्ड में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो है लंग का कैंसर, और दिल्ली में हम देखते हैं कि महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, और सबको खांसी है, और जब इवैल्यूएट होता है तो पता चलता है कि भाई इनको कैंसर है। अब हैरत परेशानी की बात ये होती है कि भाई ना इसने तंबाकू लिया है, ना बीड़ी पी है, ना कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बट फिर भी लंग कैंसर हो रहा है, या ओरल कैंसर, नेजोफेरेंजियल कैंसर हो रहा है, या लैरिंग्स वॉइस बॉक्स का कैंसर हो रहा है, क्योंकि उसका कारण क्या है? उसका कारण है पोल्यूशन। पोल्यूशन कई तरह के हो सकते हैं। एक पोल्यूशन हो सकता है जो कि बाहर हो, घर के बाहर हो, और एक पोल्यूशन होता है जो घर के अंदर होता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में इसलिए डील करेंगे क्योंकि आज की डेट में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना है। ये मुद्दा था चाइना का एक ज़माने में, ये मुद्दा था लंदन का, अब हम भारत का एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बना है कि आज हम मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, जबकि जो कैपिटल है इंडिया का दिल्ली, ये बन गया है। हर साल हम दिवाली मनाते हैं, खुश होते हैं, और सुबह में जब जागते हैं हैंगओवर के बाद, सुबह की न्यूज़ टीवी हम चालू करते हैं तो आता है कि आज दिल्ली का पोल्यूशन सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुका है। हर साल एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, क्यों, क्या, ये हम सब जानते हैं। पोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन में क्या मैं एक हिस्सेदार हूं, क्या मैं एक कॉज हूं? हम इसको परखे, ये जरूरी नहीं कि कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, हमसे कहां छूट हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। अगर हम देखें तो क्या हुआ होगा ऐसे कि दिल्ली में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और लंग कैंसर बहुत कॉमन है, और पूछने पे पता चलता है कि भाई आप ना तंबाकू लेते हो, ना कुछ करते हो। ये जो पोल्यूशन है ये बहुत मुख्य कारण है, और इसको हम डील कर सकते हैं, अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, हम इसको रोक लगा सकते हैं। क्या वजह हो सकती है कि भारत के कैपिटल दिल्ली में ये पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है? हम सोचें, अगर देखो फेस्टिवल है, फेस्टिवल मनाना चाहिए, और दिवाली ही एक मुख्य कारण नहीं है, या कोई और इसका जो मेन कारण अगर हम देखेंगे तो एक है कि दिल्ली का हम देखें, एक तो एक बहुत ही पॉपुलेटेड सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, बड़ी सी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, जहाँ पे मिट्टी, ईंट, सीमेंट का चल रहा है, और जब ये कंस्ट्रक्शंस होते हैं
तो यूजुअली एक लॉ बना हुआ है कि भाई जो जब मान के चलो कि सैंड लेके गाड़ी जा रही है तो उसके ऊपर एक टारपेट हो जो उसके कवर करे और जहां पे जो डेस्टिनेशन है वहां पे उसको ले जाए और डाले। लेकिन होता क्या है, ऐसे ही ले जा रहे, आधी रेती रोड पे है और जो डस्ट है वो हवा में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और जैसे बारिश का मौसम खत्म हुआ है तो गड्ढे हर जगह है रोड पे, तो वहां का जो डस्ट है ये सारा कार्सिनोजेनिक है। और गाड़ियां आप देखिए, एक घर में चार चार गाड़ियां हैं। और मेन रीजन का, यहां का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये अच्छा है, मेट्रो है, सब है, बट दिल्ली की जो 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये उतना ज्यादा नहीं है। जो ट्रांसपोर्टेशन अगर हम इसको है ना अच्छा करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर करें और इसको हम इंक्रीज करें, तो कुछ हद तक हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कामयाबी पा सकते हैं। और कंस्ट्रक्शंस जो हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, कॉम्प्लेक्सेस, कंस्ट्रक्शंस दिन ब दिन हो रहे हैं, लेकिन जो यहां पे जो मिट्टी ईंट, इसको हम क्या करेंगे, रेगुलेट करें, इसको हम क्या करें कि एक ऐसे तरीके से करें कि जो यहां का एनवायरनमेंट है वो पोल्यूटेड ना हो, मतलब सैंड का, सीमेंट का, जो भी चीजें जहां पे हम डंप कर रहे हैं उस चीज को हम अच्छी तरह से करें। और जो मौसम है, सडनली आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे गर्मी से हम सर्दी में पहुंच गए, कपकपी होने लगी है। और जब ये कपकपी होने लगी है जो एनवायरनमेंट में जैसे है ना, तो होता क्या है, जो फ्री फ्लो ऑफ विंड होती थी वो थम गई है, विंड का फ्लो है नहीं है। तो जो भी डस्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल से आ रही है या जो कंस्ट्रक्शन से आ रही है, जो गड्ढे हैं वहां से आ रही है, या जो गाड़ियों में जो फ्यूल इस्तेमाल हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, ये सारा क्या हो रहा है, एक स्मॉग बन रहा है। और इस टाइम पे हमने देखा है कि फसल जो आ रही थी, जो पैड़ी की फसल है, जो हमारे जो आसपास के स्टेट्स हैं, जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे फसल आ रहा है, जो फसल की जो कटाई होती है, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, कटाई के बाद जो वेस्ट जो बचा हुआ है उसको आग लगा दे रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, जो फ्यूम्स जनरेट हो रहे हैं, और आग पंजाब में हो या हरियाणा में हो या उत्तर प्रदेश में हो, जो जो स्मोक बन रहा है, वो जो आग लगने से वो स्मोक भी कहाँ जा रहा है, क्योंकि चेंज ऑफ क्लाइमेट है, विंटर्स आ गए हैं, फ्री विंड नहीं है, तो वो सारा जो डस्ट के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के जो केमिकल्स के साथ, और जो गड्ढे वड्ढे हैं उसके डस्ट के साथ, कंस्ट्रक्शन के डस्ट के साथ, और प्लस ये जो आग जो लगी है इसका जो है, ये सब मिलके क्या हो रहा है, एक स्मॉग बन रहा है। और ये वहीं पे एक स्मॉग बन के वो रुक गया है और ये मूव नहीं कर रहा है। और जो बूढ़े, जो बच्चे जो यहां पे हैं, उनका जो इनहेल कर रहे हैं, वो जो इनहेल सारा कार्सिनोजेनिक है। ना कि सिर्फ कार्सिनोजेनिक है, इससे लंग प्रॉब्लम्स, बल्कि कई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो इस पोल्यूशन से हो रहे हैं। अब हम कैसे इस प्रॉब्लम को, इश्यूज को हम डील करें, कैसे, हर साल हम देखते हैं दिवाली के बाद एक हेडलाइंस और हर साल एक नया रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं, तो हम कैसे किया जाए, दिवाली मनाएं लेकिन देखें कि हम इसको कैसे, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा इस फेस्टिवल को ठीक होने। अब फेस्टिवल दिवाली के बाद हुआ क्या है, न्यूज में देख रहे हैं स्कूल्स बंद हैं। क्यों बंद है, ये जो जहरीली जो हवा है इसको हम कैसे करें, पता चल रहा है कि फैक्ट्रीज को रोक लगा दी गई है 5 दिन के लिए, पता चल रहा है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शंस को रोक दिया गया है, ये सारे टेम्पोररी मेजर्स हैं। क्या भाई हम दिल्ली में 1 महीने के लिए रहने वाले हैं, 2 महीने के लिए, 5 साल, साल, 2 साल, नहीं, 2.5 करोड़ लोग दिल्ली में मरते दम तक रहने वाले हैं। और अगर इस तरह का सिस्टम रहा पोल्यूशन को लेके, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लोगों की उम्र, बच्चे, उनके अंदर कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, अस्थमा के, कैंसर के, इस तरह से अगर इसको हम कंट्रोल करना होगा तो हमें एक कुछ लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए होगा। हमने देखा कि इनके कारण क्या है पोल्यूशन के, अब कैंसर ना हो, ये जो हमारे जो कैंसर भगाओ के तरफ से ये जो इनिशिएशन है, इनिशिएशन है
कि भाई हम कैसे कैंसर के मुद्दे को देश से निकालें, इस मुद्दे को हम कैसे सॉल्व करें, कैंसर से कैसे बचा जाए, कैंसर को होने ना दे, अगर हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करें। पोल्यूशन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कैंसर का दिल्ली में, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा दिल्ली को स्वस्थ बनाने के लिए, कैंसर फ्री बनाने के लिए हमें कैसे कैसे चीज़ें करनी पड़ेंगी, ऐसे खुद को एज एन इंडिविजुअल मुझे क्या करना है। एज एन इंडिविजुअल देखिए, पोल्यूशन से तो एक तो बचना है, मैं मास्क लगा सकता हूँ, घर को प्यूरिफाई कर सकता हूँ, लेकिन इतने करने से तो मेरा पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ है। और ये आप कब तक करोगे, घर के बाहर नहीं निकलोगे, बच्चों को वॉक पे नहीं भेजोगे, आप जाओगे नहीं बाहर अपने काम से, घर बैठे काम कब तक कर सकोगे। इस चीज को टैकल करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो घर का जो कूड़ा है उसको नहीं जलाना है, अगर मेरी फसल है तो फसल की कटवाई को जो वेस्ट बचा है उसको नहीं जलाना है, अगर मेरे पास गाड़ियां हैं तो गाड़ी में ऐसा फ्यूल डाले जो कि पल्यूट ना करें, और अगर मेरी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो मैं ये देखूं कि कैसे इसका ये कम हो जाए। और एक काम और भी कर सकते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया था कि भाई शेयरिंग, अपनी गाड़ी को हम शेयर कर सकते हैं, या पब्लिक जैसे कि मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसको हम यूज़ करें। हम क्या करें कि भाई इस ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो फ्यूम्स अगर हम देखेंगे दिल्ली में कैसे होता है, 30% पॉल्यूशन हो रहा है कैसे, गाड़ियों से, कंस्ट्रक्शन के वर्क से, इस तरह से हो रहा है। अगर हम क्या करेंगे, ये गाड़ी वाला जो पॉल्यूशन है इसको अगर कहीं ना कहीं हम अगर कम कर देंगे तो होगा। और दूसरा जो पॉल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज से हो रहा है, जो 40-50% का जो पॉल्यूशन है, जो फसल कट रही है और जो जल रही है वो, हाँ बीच में अगर हम जैसे ये क्रैकर्स का होता है तो अचानक जो लेवल चल रहा था अचानक से बढ़ जाता है, इस चीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिवाली खुशियों का लाइट का त्यौहार है, हमें हर बार जब दिवाली होती है दूसरे दिन से हमें सब कुछ काम काज बंद, बस यही गिफ्ट देना है हमें, तो कहीं ना कहीं जाके हमें एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करना है। ये नहीं कि दिवाली मनानी है, क्रैकर्स भी उड़ाने, बट एक दायरे में रह के जिससे कि हम त्यौहार भी मना पाएं और साथ साथ हम एक अच्छा स्वस्थ एनवायरनमेंट हम बना सकें। और एज एन इंडिविजुअल मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये मैसेज जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आप एक देख रहे हैं लेकिन आप अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने एरिया के जो लोग हैं उनको दिखाएं, ताकि वो समझे बात को कि कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पोल्यूशन को, कैंसर से, लंग कैंसर, एयरवे कैंसर, लैरिंग्स कैंसर, जो कैंसर पोल्यूशन से होते हैं उससे कैसे हम बचा जा सकता है। इसके अलावा एज अ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसमें गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म मेजर्स ले सकती है, गवर्नमेंट इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है दिल्ली का उसको इंप्रूव कर सकती है, बेहतर कर सकती है, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स जो है गवर्नमेंट के उसको बढ़ा सकती है, ताकि 100 गाड़ियां निकलने के बजाय 100 लोग उस गाड़ी में जाए, एक ही गाड़ी में, और वो कंफर्टेबल हो, रीचेबल हो, अप्रोचेबल हो, उस तरह से जैसे मेट्रो का सिस्टम है अपना, इस तरह को हम कर सकते हैं। दूसरा, जो रोड्स जो हमारे बने हैं बारिश के बाद, जो रोड्स खराब हो गए हैं, जहाँ पे पानी जमा हो रहा है या जहाँ पे डस्ट है, वो उस उनको पैचअप करें, जल्दी से ठीक करें, ताकि इससे भी जो पोल्यूशन हो रहा है हम उसको बंद करें। और जो इंडस्ट्रीज हैं, नए इंडस्ट्रीज की जो परमिशन है वो दिल्ली के बाहर दें, ताकि वो, और उन पे ऊपर ऑन एंड ऑफ चेक करें, उनको बेटर मेजर्स दें, आइडियाज दें कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और पोल्यूशन कम से कम हो। उसमें वो जैसे कि बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जिसमें डीजल का यूज़ होता है, कई इसमें कोल का यूज़ होता है, जब कोल ख़त्म हो जाता है तो डीजल पे आ जाते हैं, इसका जो पोल्यूशन होता है वो, और डीजल व्हीकल्स का यूज़ कम से कम हम करें, और जो रजिस्ट्रेशन है व्हीकल्स की उन पर थोड़ा ध्यान दें। हम देख रहे हैं पिछले एक साल में 550,000 गाड़ियाँ दिल्ली में नए आई हैं, इसको भी हम कुछ ना कुछ किसी तरह से हम कर सकते हैं। कैसे, किस लिए, अपने लिए, अपने दिल्ली के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट को इसमें करना होगा। और स्कूल्स में एक इस तरह का जैसे हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है,
उस तरह का कुछ करें ताकि लोगों को मैसेज मिले कि भाई हमें क्या करना है, पोल्यूशन से कैसे बचना है। इसके अलावा जो है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पे चेक हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स की जो परमिट हो उनको देखा जाए। म्यूनसिपालिटी को एक मेजर रोल करना है। होता क्या है, जो गार्बेज जो निकलता है, कचरा जो निकलता है, उसको जला दिया जाता है जैसे मन में, और उसको जलाने के लिए जैसे विंटर्स में सर्दी है, आसानी से जलेगा नहीं, तो ज़्यादा उसको यूज़ किया जाता है फ्यूल को वगैरह, और उससे क्या होता है, पोल्यूशन का लेवल और बढ़ जाता है, और पोल्यूशन बढ़ेगा तो डेफिनेटली लंग कैंसर, बहुत सारे कैंसर बनेंगे। और इसको हमें ये करने के लिए, इसके अलावा जो जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि फसल की कटाई हो रही है, किसान बेचारे को क्या पता, उस तक जाए, उसको मैसेज पहुंचाए कि कैसे, और अल्टरनेटिव्स दें इसको, कैसे इस चीज़ को डील किया जाए, कैसे जो ये फसल आ रहा है इसको, फसल को कटौती दे। जो मेरा जो मैसेज है कैंसर भगाओ का, जो मैसेज है आज का, वो ये है कि पोल्यूशन को हम खुद कर रहे हैं। पोल्यूशन का जो मेन कारण क्या है, अपने हिस्सेदारी को कम करें, जैसे घर का जो कोई जलाना हो, या कुछ गाड़ियों का इस्तेमाल करना हो, कोई आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही हो, या इस तरह के कोई भी आपकी फैक्ट्री है, तो उस तरह खुद ये देखें, क्योंकि हमें यहाँ रहना है, हमारे बच्चों को रहना है, दिल्ली वासियों को रहना है, और अगर ये इस तरह का मैसेज जाएगा तो होगा क्या, लोग दिल्ली नहीं आएंगे, इंडिया नहीं आएंगे, फिर हमारा जो नाम है उसके साथ हमें एक अफसोस करना पड़ेगा। तो इस तरह से, और ये जो मैसेज क्या है कि दिल्ली के जो रोड्स हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा, दिल्ली के जो पोल्यूशन के कॉजेज़ जो हैं, जैसे कि जिनको हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि गाड़ियों का, या फैक्ट्रीज़ का, या जो गार्बेज का जो बर्न है, या इस तरह के जो क्रैकर्स का है, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, इसको हम कैसे हम अपनी हिस्सेदारी दें और लोगों को बताएं, और बचें कैसे, कि भाई हम अभी तो घर के बाहर ना निकलें, घर में रहें, बच्चों को घर में रखें, और देखें कि कहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन उस एरियाज़ में ना जाए, और इसका परमानेंट हमें सोल्यूशन निकालना है। अगर आपके दिमाग में भी कोई विचार हो तो हमारे जो ईमेल है उस पर आप भेज सकते हो सुझाव, हम भी इस सुझाव को दिल्ली गवर्नमेंट को या उस तरह के हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और बच्चों को भी बताएं कि भाई कोई चीज़ है ना जलाना हो या गंदगी हो कोई कर रहा, तो वो भी एक बच्चे भी बता सकते हैं। तो इस तरह से हम सबको मिल के ये जो मेन कॉज है पोल्यूशन का, और पोल्यूशन से कैंसर होने का, और अस्वस्थ भारत होने का, इसको कंट्रोल हमें करना है, पोल्यूशन को कम करना है, स्वस्थ भारत करना है, कैंसर को भगाना है। डॉक्टर साहब, आपने पोल्यूशन के ऊपर बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि पोल्यूशन की वजह से किस किस प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। पोल्यूशन से जहाँ तक मैं जानता हूँ हर कैंसर हो सकता है। एक्चुअली होता क्या है, जो पोल्यूशन जो होता है, जैसे कि मान के चलिए आप जो इनहेल कर रहे हो एयर, तो वो होगी क्या, जो एयर होगी वो नाक से जाएगी, तो नेजल कैंसर्स हो सकते हैं, मुंह से जाएगी, तो फेरिंजियल कैंसर हो सकता है, वो आपके वॉइस बॉक्स के थ्रू जाएगी, तो वॉइस बॉक्स का कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है, आपको इंटेस्टाइन का कैंसर हो सकता है, जो ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, उसका कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर तक पॉल्यूशन से हो सकता है। अगर देखा जाए तो कोई भी कैंसर पॉल्यूशन से हो सकता है, लेकिन जो अधिकतर जो कॉमनली जो कैंसर होता है वो होता है लंग का कैंसर, वॉइस बॉक्स का कैंसर, नेजोफेरिंजियल कैंसर, फेरिंजियल कैंसर, ये कैंसर, और ब्लैडर कैंसर, ये अधिकतर पॉल्यूशन से होता है। और अब हम सोचेंगे भाई, आपके जहन में बात आई होगी कि भाई मुझे कैसे पता चले कि कहीं मुझे कैंसर हुआ तो नहीं, कहीं होने वाला तो नहीं। तो सिंपल है, आप देखिए कि आपको जैसे कि खांसी है, खांसी नॉर्मली एलर्जिक हो, डस्ट से हो, एक सिट्रिजिन आपने लिया, एक हफ्ते में आपको ठीक हो जाना चाहिए। अगर एक हफ्ते बाद भी आपको खांसी रही, आप खांस रहे हैं, बलगम आ रहा है, खून आ रहा है, और खांसी दवाई लेने के बाद भी, 10 दिन के बाद भी अगर ये ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है ये लंग का कैंसर हो।
जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, आवाज़ मेरी साफ है, हो सकता है अगर आपको वॉइस बॉक्स का कैंसर है जो पोल्यूशन से हो रहा हो, तो उसमें हो सकता है कि आपकी आवाज़ बारीक हो जाए, सांस में दिक्कत आने लगे, खांसी होने लगे। अगर वॉइस चेंज हो जाए, बारीक होते होते या बिल्कुल बंदी हो जाए, या खांसी हो, बलगम आ रहा हो, तो हो सकता है कि ये भी कैंसर की साइन हो, सिम्टम हो। अब पता तो चल गया कि भाई पोल्यूशन से ये हो रहा है, तो आप कैसे, आपको ये पता चलेगा कि भाई आप डायग्नोसिस कैसे करोगे? आपको क्या है, आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उनको बता दीजिए कि 10 दिन 15 दिन हो गए मेरी ये खांसी ठीक नहीं हो रही है, मेरी सांस में दिक्कत बढ़ रही है, मेरे नाक से बह रहा है, मेरे इसमें है ना वॉइस जो है वो बिल्कुल बदल नहीं रहा, क्या ये हो सकता है? तो वो क्या करेंगे, वो एक पाइप, एंडोस्कोप या ब्रोंकोस्कोप जो होता है, वो डाल के वो देखेंगे कि भाई अंदर कोई घाव वाव तो नहीं है, अंदर कोई स्वेलिंग वेलिंग तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कैंसर के जैसे। अगर उनको डाउट लगा, ब्रोंकोस्कोपी की उन्होंने या नेजोफेरिंजोस्कोपी की, तो वहाँ से वो छोटा सा सैंपल लेंगे या कुछ स्पूटम भेजेंगे जाँच के लिए, या हो सकता है कि वो जब वो जाए जाँच के लिए और उसमें आए कि भाई आपको टीबी है, या हो सकता है उसमें आए कि भाई नहीं आपको बस एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, या हो सकता है उसमें आए कि भाई आपको कैंसर है, स्क्वामस कैंसर हो या एडिनोकार्सिनोमा हो। आज की डेट में कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई कैंसर होना कोई गलत बात नहीं है। ये किनको होता है? ये इंसानों को होता है, जो जीवित हैं, जो लिविंग हैं, उनको होता है। आदमी बीमार बन रहा है यानी वो सेहतमंद होने की अलामत है, इससे पहले वो बिल्कुल हेल्थी था। तो बीमारी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया ये किसी को भी हो सकता है, आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और पोल्यूशन में हम रह रहे हैं, हमारा ये तो जाहिर सी बात है, भले वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई भी बंदा हो, एक आम आदमी को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। डॉक्टर साहब, मेरे दर्शक और इनफैक्ट मैं भी ये जानना चाहूँगी कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग होती क्या है, और क्या ये भी एक कॉज है कैंसर होने का? आपने जो सवाल उठाया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली सेकेंड हैंड स्मोक जो होता है वो ये होता है कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूँ, मेरा दोस्त या मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, दुकान में, रोड पे, सिनेमा में, बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, या आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आसपास के लोग हुक्का पी रहे हों, उससे जो धुआं निकलता है, या सामने वाला जब सिगरेट या ज़िबड़ी पी के जो बाहर निकालता है, ये जो स्मोक जब आपके ऊपर आता है, ये वही स्मोक है जिसमें 700 टॉक्सिन्स हैं, 70 कैंसर के तत्व हैं। जाहिर सी बात है जिसने उसको लिया उसके पास ज़्यादा चले गए, लेकिन जो थोड़े बहुत जो निकले हैं, जो मेरे नाक में जा रहे हैं, जो मेरे लंग्स में जाएंगे, जाहिर सी बात ये वही कार्सिनोजेंस है। जब ये मेरे लंग में जाएंगे, जो नुकसान ये उस बंदे के जो इसको पी रहा था, वही नुकसान जाहिर सी बात है मुझे भी होगा। अक्सर होता है कि दादा होते हैं, वो घर पे पीते हैं बच्चों के सामने, या कहीं पे पार्टीज़ में जाते हो, कई लोग पीते रहते हैं, कई बार्स में जाते हो, या होटल्स में जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, ये जो जितना भी जो निकल रहा है ये सारा का सारा कार्सिनोजेनिक है। कई बार हमने देखा होगा कई महिलाओं को हो जाता है, लेकिन ये बात और है, आज की दौर में इक्वालिटी आई है हर जगह, तो स्मोकिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स या च्यूइंग हैबिट्स में भी इक्वालिटी आई है, तो इसके वजह से हमने देखा है कि महिलाओं में जो कैंसर की जो ये है कि आज की डेट में 7 महिलाओं में से 1 महिला को कैंसर होता है। वो क्यों? वो इसी वजह से कि महिलाओं ने हैबिट्स में मर्दों के बराबर हो गई हैं, और ये स्मोकिंग है, च्यूइंग है, ये सारी इक्वल हो गई हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई हाँ, पैसिव स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोक इज डेंजरस, इट इज कार्सिनोजेनिक, इट विल कॉज ऑल द कैंसर्स, जो कैंसर ऑफ लंग है, कैंसर ऑफ ओरोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है, ब्रेस्ट कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, सारे कैंसर सेकेंड हैंड स्मोक से हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि सेकेंड हैंड स्मोक से बचे, जो भी अगर पी रहा हो या कहीं पे भी कुछ हो, उनसे हम मना करें कि भाई
ये हमारे सामने आप मत कीजिए, या आप उठ के चले जाइए अगर आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपको खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है, और ये जो मैसेज है आपको दूसरों को भी पहुंचाना है। जय हिंद।